ये मेरे हाथ में पतला सा कॉपर वायर, ठीक, कॉपर का वायर है। अभी आपको दिख नहीं रहा तो इसलिए कैमरे के नीचे ले लेता हूं। ये कॉपर वायर, ठीक है, नॉर्मल कॉपर वायर है, इलेक्ट्रिसिटी में से यूज होने वाला। अब मैंने इसे मोड़ा, देखिए इसमें इलास्टिक नेचर है, देखिए यहां से वापस अपनी जगह आ रहा है, आ रहा नहीं वापस अपनी, ठीक, इलास्टिक नेचर है इसके अंदर, वापस अपनी आने। मैं खींच तो सकता नहीं, इसे लंबाई तो बढ़ा नहीं सकता, लेकिन ये लूप बना लिया इसको, मैं यहां लग रहा हूँ और छोड़ते ही वापस अपनी जगह आ रहा है, तो इलास्टिक नेचर है इसके अंदर। अब देखना जरा ध्यान से, इलास्टिक नेचर है तो ये मैंने मोड़ा, सीधा किया मैंने मोड़ा, सीधा किया मैंने मोड़ा, सीधा किया मैंने मोड़ा, तो ठीक है वापस ये रीगेन कर रहा है शेप को। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं इसको अगर 2, 4, 10, 20 बार इसे मोड़ दिया जाए तो क्या होगा? अब कहाँ गई जी इलास्टिसिटी? अब कहाँ गई वो इलास्टिसिटी कि मोड़ के वापस अपनी जगह आ जाए? जबकि है तो ये इलास्टिक, कौन मना कर रहा है? देख साफ दिखाई दे रहा है, देखो है इलास्टिक, ये मैंने मोड़ा, मोड़ के फिर वापस अपनी जगह आ गया। लेकिन जब मैं इसको एग्रेसिवली मोड़ रहा हूँ यहाँ, और बार 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 इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई हटाई डिफॉर्म कर रहे हैं इसे, ये डिफॉर्म कर दिया फिर सीधा कर दिया, फिर डिफॉर्म कर दिया फिर सीधा कर दिया, फिर डिफॉर्म कर दिया, रिपीटेड डिफॉर्मिंग फोर्सेस यहाँ आप लगा रहे हो, तो क्या हुआ? एक टाइम ऐसा आया कि इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, इलास्टिसिटी ने जवाब दे दिया। ये सबके साथ है, हर मटेरियल के साथ है, कि जब आप बार बार रिपीटेड डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं किसी मटेरियल पर, तो सर्टेन नंबर ऑफ रिपीटेशन के बाद उस मटेरियल की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिक फेटीग, इलास्टिक फेटीग। वो इलास्टिक इलास्टिसिटी इलास्टिक से निकल करके ब्रिटल में पहुंच जाता है, जो चोट लगकर या डिफॉर्मिंग होकर के क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ब्रिटल नेचर क्रिएट होने लगता है, इलास्टिक नेचर उसके डिक्रीज होने लगते हैं। आप सब नहीं देखा होगा आप सबने, लेकिन एक ब्रिज है दिल्ली में यमुना के ऊपर बना हुआ है, और वो करीब 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। पूरा का पूरा लोहे का ब्रिज है, वो पूरा लोहे का है, ऊपर उस पर ट्रेन चलती थी और नीचे ट्रैफिक चलता था। लेकिन अब उस ब्रिज को बुरी तरह से बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया उसको, जबकि वो ठीक है, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, लेकिन अब उसका यूज नहीं किया जाता, ना ट्रेन के लिए ना किसी भी तरह का ट्रैफिक अब उसके ऊपर नहीं है। मेरे बचपन तक में वो चल रहा था, यानी अब से मैं अगर 30 साल, 35 साल, 36 साल पहले की बात बताऊं, तो मैं खुद कई बार उस ब्रिज पे से गुजरा हूं, ट्रेन के थ्रू भी और नॉर्मल वैसे बस में, जो इस प्राइवेट बस होती है, सिटी बस दिल्ली के अंदर की। लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया, जबकि वो ठीक है बिल्कुल, कहीं से टूटा फूटा नहीं है, जंग नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा हुआ। रीजन क्या होता है? जब आप किसी पुल के ऊपर से गुजरते हैं, कोई भी व्हीकल पुल के ऊपर से गुजरता है, तो पुल डिफॉर्म हो जाता है, पता नहीं लगता, पता नहीं लगता। लेकिन जब लोड पड़ा है ब्रिज के ऊपर, एक ट्रक उसके ऊपर से गुजरा, एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजरी, तो उसके दबाव से, लोड से उसकी शेप बदल जाती है। हालांकि वो बदलाव इतना कम होता है कि हम नॉर्मली ऑब्जर्व उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन जो इंजीनियर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उसको उन्हें पता है कि इसमें कितना चेंज आ रहा है। उसके लिए ऑब्जर्वेशन मेथड भी होते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कितना लोड डालने पर ये कितना डिफॉर्म हो रहा है। तो 100 साल में, 80 साल में, जिसके ऊपर से रात दिन ट्रेन निकल रही है और ट्रैफिक निकल रहा है, वहां कितना बार डिफॉर्म हुआ होगा वो, कितना बार डिफॉर्म हुआ होगा वो। तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या हो सकता है? किसी भी दिन पता लगा ट्रेन गुजर रही थी, पुल नीचे गिर गया सारा। कैसे? जैसे 10 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार तो उसने ले लिया, लेकिन 21वीं बार में क्या हुआ? टूट गया। 21वीं बार में ये क्या हुआ? अब ये इलास्टिक नहीं रहा, एकदम से ब्रिटिल बन गया। तो यही रीजन है कि एक सर्टेन टाइम ऑफ ड्यूरेशन के बाद ब्रिजेस बंद कर दिए जाते हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाता है, जबकि भले ही वो देखने में बिल्कुल ठीक हो। और इसी तरह बिल्डिंग्स भी होती हैं, हालांकि हम हमारे देश में तो
हजार हजार साल पुरानी बिल्डिंग्स भी अभी हैं, लेकिन फिर भी बिल्डिंग्स को भी एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद में डिस्ट्रॉय करके दोबारा बनाया जाता है, उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि अब ये रहने लायक नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी, किसी दिन हल्का सा झटका आएगा भूकंप का और ये नीचे गिर जाएगी। जो नई बिल्डिंग बनी होती है, नई बिल्डिंग बनी होती है स्पेशली जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उन्हें स्पेशली इस तरह से बनाया जाता है कि हल्के फुल्के भूकंप आने पर वो लचक जाती हैं, टूटेगी नहीं, उसमें इलास्टिसिटी है, वो लचक जाएगी। लेकिन हमारे आपके चलने फिरने से भी इस छत पर, इन दीवारों पर, इन पिलर्स पर, इन कॉलम्स पर डिफॉर्मेशन फोर्स लग रही है। हालांकि वो डिफॉर्मेशन बहुत कम है, लेकिन हो रहा है, होता है। और जब बिल्डिंग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज हो रही है, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, वो इलास्टिक नेचर, इलास्टिक बिहेवियर, मटेरियल्स का इलास्टिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा। किसी भी बॉडी पर बार बार रिपीटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए और उसका इलास्टिक नेचर खत्म हो जाए, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिक फेटीग। फेटीग का मतलब क्या होता है? फेटीग का मीनिंग, फेटीग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नहीं, फेटीग, फेटीग का मतलब क्या होता है? फेटीग, FATIGUE, फेटीग। फेटीग वर्ड नहीं सुना कभी आपने? इंग्लिश का फेटीग नॉर्मल लाइफ का वर्ड है। फेटीग का मीनिंग होता थकान। जब आप दिन भर काम करते करते थक जाए, तो आपकी वो कंडीशन है फेटीग कंडीशन, थकान जिसे बोलते हैं। तो ये इलास्टिसिटी थकान है। वो ब्रिज था, उसके ऊपर से कई 100 साल से गाड़ियां गुजर रही थी, अब वो थक गया। उसने कहा, अब मैं थक गया हूं, अब मैं किसी भी दिन लुढ़क जाऊंगा यहीं नीचे। जब तक मुझसे सहन हो रहा कह रहा, मैं सहन कर रहा था, अब नहीं हो रहा, अब मैं अनसेफ हूं बिल्कुल। तो इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस पहले एक्चुअली बिल्डिंग या ब्रिज बनाने से पहले ही जो उसमें मटेरियल लगा हुआ है, उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके उनके बिहेवियर से पहले ही वो बता देते हैं कि ये बिल्डिंग 100 साल के लिए बनाई गई है या ये बिल्डिंग 75 साल तक के लिए बनाई गई है। उसके बाद उसमें रहना सेफ नहीं होगा, उसे अनसेफ डिक्लेयर कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिमोलिश कर देंगे, दोबारा बनाएंगे। तो ये हुआ आपका इलास्टिक फिटिंग। इस इलास्टिक फिटिंग और इलास्टिक इलास्टिक फिटिंग के जैसे ही एक और प्रॉपर्टी है, कई बार आपने देखा है, इसमें निकाल लूं मैं दूसरी रिफिल। ये रिफिल है, ठीक ठाक है, सही है बिल्कुल एकदम। आपने इसे डिफॉर्म कर दिया, अब ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, हल्की सी परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, ठीक है। लेकिन कल ही से हम आकर देखेंगे तो फिर से क्या मिलेगी? ये फिर से वापस अपनी ओरिजिनल शेप होगी। इलास्टिसिटी तो है इसमें, इसमें अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन तो किया, लेकिन इंस्टेंटली नहीं किया, इंस्टेंटली नहीं किया, कुछ टाइम इसने ले लिया। देखिए इतनी देर में ही कम हो गया इसका वो डिफॉर्मेशन। कल तक आते आते ये सीधी मिलेगी लगभग। कल तक सीधी नहीं मिलेगी तो और 2-4 दिन बाद हम इसे देखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट अपनी जगह सही मिलेगी। ये प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये इलास्टिसिटी तो है, लेकिन टाइम लगेगा इसमें इलास्टिसिटी शो करने में। इसको इसे हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। जब किसी बॉडी पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के तुरंत बाद वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में रीगेन नहीं करा, बल्कि उसने रीगेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा लिया, थोड़ा सा टाइम ले लिया। अब वो टाइम कितना होगा ये डिपेंड करता है बॉडी के शेप साइज क्या है, बॉडी का मटेरियल क्या है। वो फ्यू मिनट्स भी हो सकते हैं, वो फ्यू आवर्स भी हो सकते हैं, और फ्यू डेज भी, या फ्यू ईयर्स तक भी हो सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट।